नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब गरीबी का नामो निशान भी मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनके कारण आप गरीब बने हुए हैं, लेकिन अब आपको कुछ ऐसी सावधानियाँ हम बताने वाले हैं जिसके बाद में आपके जीवन की सारी गरीबी, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति अच्छे काम करेगा, केवल उसी को इस सब्र का फल मिल पाएगा और दोस्तों उनका जीवन ही सबर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा यदि परेशान हैं, पैसों के लिए आप तड़प रहे हैं, धन की कमी है आपकी ज़िंदगी में, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मौका यदि आपके हाथ से चला गया तो मुँह के बल आप गिरने वाले हैं और सर पर बड़ी ही गहरी चोट आपको लगने वाली है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में ये मौका आपके हाथ से छूट गया तो आपको कभी भी ऐसा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा, ना ही कभी हाथ लगेगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान हमें एक बार गिराता है, लेकिन दोस्तों यदि भगवान हमें बार बार ठोकर दिलाता है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वो आपको किसी गलत राह पर जाने से रोक रहा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर अत्यधिक मेहनत करने के बाद में भी फल नहीं मिलता है, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के ही किसी भी काम को शुरुआत करना चाहिए। इसी प्रकार जो भी मानव अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है, अपने जीवन में जी जान से हार कर बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है और हर हमेशा दोस्तों अपने सपनों में खोया रहता है, सोचता है कि काश हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बड़े चमत्कार हो जाएं जो कि हम अपने जीवन में अपनी किस्मत का धन ले पाएं और अपने सोचा हुए काम को पूरा कर पाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखें, ताकि दोस्तों श्री कृष्ण की महिमा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी ही खास वीडियो लेकर आते हैं जो केवल और केवल सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध करते हैं कि आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को ज़रूर दबाएं और इस चैनल को अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं इस समय इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बात जान लेने की आवश्यकता है कि अगले 3 दिनों के भीतर, अगले 72 घंटों में आपके जीवन में ग्रह गोचर के आधार पर कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, और कौन सी ऐसी खुशखबरियाँ हैं जो आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी खुशखबरी हैं जिसे आप बहुत दिनों से प्रयास करते आ रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही किन कारणों से सफलता नहीं मिल पा रही है। इसमें दोस्तों आपको आने वाले इन दिनों में आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे ही परिवर्तन आपके जीवन काल में होने वाले हैं, कुछ ऐसे अचानक चमत्कार भी होने वाले हैं जिससे कि दोस्तों आपकी कभी भी सपने में आपने नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर बता दें कि भगवान की कृपा दृष्टि रहती है, इसलिए दोस्तों कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ सावधानियों के बारे में, जिसके बारे में दोस्तों आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, बात किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना बन रही है, किसी अनुभवी के सहयोग से आपकी कोई समस्या भी दूर हो सकती है, कभी कभी आपका गुस्सा और जिद दूसरों के लिए परेशानी का केंद्र बन सकती है। आपको अपनी नकारात्मक आदतों पर काबू पाने से दोस्तों आप समस्या से बच सकते हैं। बच्चों के साथ में कुछ समय व्यतीत जरूर करिएगा। दोस्तों, उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इस समय ग्रह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूर कर रहा है, पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने का अनुकूल समय चल रहा है, कमीशन तथा बीमा संबंधित व्यवसाय में भी आपको लाभदायक स्थितियां मिल रही हैं, परंतु दोस्तों कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानियां भी महसूस हो सकती हैं। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। यदि आपने अपने प्रेम संबंधों में वायदा किया है तो उसे जरूर निभाएं। दोस्तों, आज पठन पाठन तथा उत्तम जानकारियों को हासिल करने में भी दिन काफ़ी बेहतरीन व्यतीत होगा। किसी समस्या का भी समाधान मिल सकता है जिससे राहत महसूस होगी। दोस्तों, युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत हद तक खुशी महसूस होगी। ध्यान रखें कि आपकी लापरवाही की वजह से कुछ काम बनते बनते बीच में ही अटक सकते हैं।
परंतु दोस्तों इसका कारण आपकी एकाग्रता में कमी हो सकता है। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें तथा दूसरों के मामले में भी ज्यादा ना देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। बिजनेस में भी किसी काम को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। दोस्तों कुछ ना कुछ चुनौतियां रह सकती हैं और प्रतिस्पर्धा संबंधी मामलों में भी बहुत अधिक परेशानियां आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने डिपार्टमेंट से संबंधी महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार अधिक रह सकता है। व्यवसाय कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना बन रही है, तो निवेश करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये समय उचित नहीं है। व्यर्थ के बाद विवाद में समय नष्ट ना करें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। और बता देते हैं कि दूसरों के मामले में आपको उलझना नहीं है, संयम से समय व्यतीत करिए, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों किसी भी काम करने से पहले आपको उसके अच्छे बुरे पहलू से और अवगत होना ही होगा। या फिर दोस्तों आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप अपने कार्य को सही से कर सकते हैं, तो दोस्तों आज आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की सहायता लेना फायदेमंद रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आपका जीवन सही से चल रहा है, चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको बताया कि ससुराल वर्ग की तरफ से कोई दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। दोस्तों एक और चीज़ आपको बताते हैं कि आपका बेड़ा पार होने वाला है, नज़र लगने वाली है। दोस्तों कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर आपको काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। दोस्तों ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों एक और चीज़ बताते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं वो और जलने लगेंगे, क्योंकि आपका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको अपने पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है जो आपके लिए अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आप मन में चिंतित हैं, परेशान हैं किसी बात को लेकर के, तो ऐसा बात बिल्कुल सही है यदि आप परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अपना मन थोड़ा शांत रखने के लिए मनपसंद गाने सुनिए और दोस्तों मूवी देखिए। बस नकारात्मक विचारों को मन में आने बिल्कुल भी मत दीजिए। हालांकि दोस्तों विवाद और चिंताएं तो बढ़ती ही रहती हैं। कारोबार में पास के फायदों में दूर का नुकसान करने से बचना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों किसी भी तरह का रिस्क लेने की गलती ना करें। और ये जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, स्वतंत्र होने की आपकी चाहत पूरी तरह से सही रहेगी। और दोस्तों संयम में ना रहने की आपकी इच्छा आपके परिवार और करीबी रिश्तेदारों से आपको दूर ले जा सकती है। दोस्तों सचेत रहिएगा, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। असमंजस की स्थिति में आपको अपने सुचिंतकों की राय जरूर सुननी है। दोस्तों एक और चीज़ आपको बता देते हैं, दोस्तों सफल रूप बन रहे हैं प्रॉपर्टी संबंधित या फिर कमीशन आदि का काम करने वालों को मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। भूमि भवन से जुड़ा कोई बड़ा मामला पहल हल हो जाने में आप काफ़ी शांति महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में दोस्तों हम आपको एक उपाय देने वाले हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना होगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों आपको बता देते हैं एक उपाय के बारे में। आपको अपनी जेब में पर्स रखना है और उसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रख लेना है या फिर हल्दी की गांठ आप रख सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, आप करके ज़रूर देखिएगा, आप बहुत लाभकारी महसूस करेंगे। एक और उपाय बताते हैं दोस्तों, मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना होगा और वहां पर आपको उन्हें मीठा पान चढ़ाना है। इतना ध्यान रखिएगा कि मन में गलत विचार ना आने दें, एकदम भक्ति भाव वाला मन होना चाहिए, यह आपके लिए बेहतर रहेगा और बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। मौसम बदलने के कारण आपके गले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अपनी चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।